वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ एकता, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। और ये मेरे भाई का फोन है, मैं उसके फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये गाइस गुड मॉर्निंग, यहाँ मैं अपनी चाय पी रही हूँ। और गाइस यहाँ पे मेरी क्लीनिंग चल रही है, यहाँ पे साफ सफाई कर रही हूँ मैं। सो गाइस आज के इस ब्लॉग में मैं क्या क्या काम करती हूँ घर के, वो सारे चीजें आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने कहा क्यों ना आज आपको पूरा डेली रूटीन, मतलब जो मैं काम करती हूँ उससे रिलेटेड एक ब्लॉग बनाया जाए। तो आज मैं अपना ए टू जेड क्या क्या काम करती हूँ वो सब इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आई होप कि आप लोगों को वो जरूर पसंद आएंगे। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा इस, तो प्लीज लाइक भी किया करो, देखने के साथ साथ उससे मोटिवेशन मिलता है और आगे के लिए इंस्पिरेशन मिलता है। तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो। और आज मैंने सर धो लिया, नहा धो के मैं आ गई हूँ मस्त। और बस अब मैं रेडी वेडी होंगी, थोड़ा सा मार्केट भी जाना है आज मुझे थोड़ा सामान लेने के लिए, तो मार्केट भी जाऊंगी और कोचिंग भी जाना है। तो अब जल्दी से ऊपर जाके रेडी वेडी हो जाते हैं, रेडी होने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहिए आप लोग इस ब्लॉग में और देखते रहिए। ये देखो गाइज MI का कैमरा और ये देखो गाइज Realme का कैमरा, कितना डिफरेंस है दोनों में। ये एकदम नेचुरल आता है इसमें और इसमें थोड़ा सा फिल्टर्ड आता है। अगर आप भी अभी नया फोन लेने का सोच रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप Realme का ही फोन लो, काफी अच्छा कैमरा है उसका। ये देखो लुक वाइज भी ठीक ही है, कर्व डिस्प्ले इसकी अच्छा है। मेरे भाई का न्यू फोन। और ये देखो गाइस टी शर्ट तो मैंने वही सेम ही डाली है और बस नीचे मैंने जोकर डाल लिया और पॉनी टेल बना लिया। अब चलते हैं। और ये देखो गाइस आज मैं मार्केट गई थी थोड़ा काम से, सामान लाना था कुछ, जो सामान लाना था वो तो मिला ही नहीं। और मैं ये रबर बैंड वगैरह ले आई अपने लिए। ये देखो गाइस एक ये है और एक ये है ऐसा सिंपल जैसा ही, और ये जो आजकल ऐसे चल रहा है ना स्क्रंची टाइप में, एक वो है, बहुत सुंदर लग रहा था। और इसी टाइप में एक ये है प्रिंटेड में, मुझे ये बहुत अच्छा लगा इसलिए एक ये भी ले आई मैं। तो और ये थोड़ा सा कुछ है, तो बस ये सामान लेके आ गई मैं, जो लाना था वो मिला नहीं। सो गाइज आप लोग बताना आपको कैसे लगे मेरे रबर बैंड कमेंट में, अगर आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट करना। और गाइज यहाँ मेरा लंच चल रहा है, लंच में मैंने थोड़ी सी सैलेड एंड दाल चावल ले लिया, बहुत ज्यादा धूप हो गई थी इसलिए मेरे से लंच खाया भी नहीं गया। और गर्मी में मार्केट जाओ आप तो आधी हालत आपकी वैसे ही खराब हो जाती है। और यहाँ मैं रेस्ट कर रही हूँ खा पी के। और गाइज आजकल हमारे यहाँ मौसम बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, सुबह से एकदम बहुत तेज धूप हो जाती है और शाम को पता नहीं बारिश होने लगती है, क्या ही हो रहा है। एंड गाइज दिन भर में हम कोशिश करते हैं कि एक आध फ्रूट तो खा ही लें, तो हम यहाँ तरबूज खा रहे हैं एकदम चिल्ड फ्रिज वाला, ठंडा ठंडा और टेस्टी भी बहुत है बता दें आपको। फोन चलाते हुए और बस एक दो घंटे रेस्ट करने के बाद शाम को बहुत अच्छा मौसम हो गया, तो बहुत तेज हवा चल रही थी, मम्मा बोल रही थी छत पे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं उठ के आ गई। और यहाँ आते ही देखा मैंने ये पानी भरते हैं इसमें हम लोग चिड़िया के लिए, ये खाली हो गया था तो इसमें रिफिल कर रही थी। गाइज गर्मियों में प्लीज आप लोग भी घर पे ऊपर छत पे पानी रख दिया करो चिड़ियों के लिए। अभी इतनी गर्मी में हम लोग तो 10 बार पानी पीते हैं, तो आप लोग चिड़ियों के लिए भी पानी रख दो अगर घर पे पॉसिबल हो तो। और ये देखो गाइज शाम को बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, अब यहाँ से मैं गाना लगा देती हूँ तो आप लोग इन्जॉय करिए। और बस गाइज यहाँ पे मैंने बहुत सारी मस्ती भी कर ली, घूम भी लिया, तो अब चलो नीचे चलते हैं। और यहाँ पे मेरी कुकिंग चल रही है, आज मैं बना रही हूँ मैंगो सेक और आलू टमाटर की सब्जी। शाम का जो भी काम होता है मोस्टली वो मैं ही करती हूँ, तो यहाँ पे मैं मैंगो सेक बनाने के लिए मैंगो को पील कर रही थी। और उसके साथ साथ मैंगो पील करने के साथ साथ ऐसा हो नहीं सकता कि थोड़ा बहुत हम मैंगो खाए ना, तो साथ में मैं थोड़ा थोड़ा मैंगो खाती भी जा रही थी।
और मैंगो अभी बहुत अच्छे आ रहे हैं गाइज, अभी हमारे यहाँ तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, मीठे भी आ रहे हैं, और 2-3 दिन से रोज हमारे यहाँ मैंगो शेक बन रहा है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है वो। और ये देखो गाइज, यहाँ मेरी आलू टमाटर की सब्जी बन गई है और यहाँ मैंगो शेक भी बना के रख दिया है मैंने, अब इसमें फ्रिज में डाल दिया, फ्रिज में ठंडा ठंडा हो जाएगा, फिर रात को इसको हम लोग खा लेंगे। और यहाँ ले रही हूँ मैं अपना डिनर, तो डिनर में है आज ये 2 सब्जी और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई इसलिए मैंगो शेक और चटनी, रोटी और ये मसाला पापड़। और यहाँ पे मस्त मूवी लगा दी है, साउथ इंडियन की, साउथ की कोई अच्छी सी मूवी आ रही है तो यहाँ पे मूवी भी देखूंगी उसके साथ, और डिनर लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और गाइज डिनर हो गया है मेरा और यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन, और देखो मैं कितना एक्साइटेड होकर बर्तन धो रही हूँ। गाइज मुझे काम करने में कोई आलस नहीं है, मुझे काम करने में बहुत मजा आता है, बस मैं म्यूजिक लगा के काम करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर म्यूजिक तो म्यूट कर दिया और मैं वॉइस ओवर करके बता रही हूँ, तो बस आज दिन भर के सारे काम मैंने आपको बता दिए हैं। सो बस गाइज फाइनली मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ, जितना भी काम था सब कुछ फ्री कर दिया मैंने, अब आराम से बैठ के आपके साथ बात कर सकती हूँ मैं, जितना भी काम था शाम का वो मैंने सब कुछ कर दिया है। इवनिंग में जितना भी काम होता है वो सारा मैं करती हूँ, और सुबह से जितना भी होता है खाना वाना का वो सब मम्मा कर लेती हैं, और ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, शाम को भी मम्मा कभी कभी सब्जी बना लेती हैं या फिर मैं भी बना देती हूँ, तो ये चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती, ड्यूटी किसी की नहीं होती, बट यस मोस्टली शाम के बर्तन वर्तन तो मैं ही करती हूँ, सुबह मम्मा कर लेती है, और कपड़े वपड़े का भी सब कुछ मैं ही करती हूँ, क्लीनिंग का जो भी होता है वो मैं करती हूँ। और आज के ब्लॉग में गाइज आप लोगों को ऐसा कुछ देखने नहीं मिला होगा कि फन चिल कहीं जाना आना, मेरा जो भी था मेरे घर के रूटीन का काम जो था वो सब दिखाया मैंने, जरूरी नहीं है आपका हर एक दिन अमेजिंग हो, आप चिल आउट करो, आप पार्टीज करो, आप कहीं घूमने जाओ, कभी कभी आप घर में रह के घर के भी काम करते हो तो वो भी दिखा देना चाहिए, ब्लॉग में सब कुछ चलता है, तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ब्लॉग को। और गाइज आज का दिन ठीक था, एवरेज था, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं था और बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं था, तो इट्स ओके, एवरेज दिन भी बहुत अच्छे होते हैं लाइफ में, सब एक जैसे लाइफ नहीं चलना चाहिए, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो यस जो भी था, थक गई हूँ थोड़ा सा, काम तो पड़ ही जाता है ज्यादा, सो इट्स ओके, जो भी है एंजॉय करो, लाइफ यही है। एंड गाइज पता नहीं क्यों आप लोग व्यूज ही नहीं दे रहे हो, व्लॉग्स पे व्यूज ही नहीं आ रहा है, बट इट्स ओके, मैं तो भी नहीं छोड़ूंगी, मुझे अच्छा लगता है वीडियोज बनाना, वीडियोज तो मैं बनाऊंगी, तो आप लोग प्लीज जल्दी से व्यूज बढ़ाओ, और जितने लोग भी देखते हो एटलीस्ट लाइक तो कर दिया करो गाइज, आप लोग वीडियो देख रहे हो 100+ मेरे व्यूज चले जाते हैं और लाइक्स देखो आप 10+ भी नहीं आते, ऐसा क्यों कर रहे हो गाइज, मुझे नहीं पता, आज मुझे 20 लाइक चाहिए इस ब्लॉग में, जल्दी से लाइक करो ब्लॉग को, तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ब्लॉग को, अगर आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया है गाइज तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो, अब मिलते हैं इसी तरह के कोई न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।